శివం శివం జటాటవీ గలజ్జల ప్రవాహ పావితస్థలే గలేవలంబిలంబితాంబుజంగతుంగమాలికాం డమడ్డమడ్డమడ్డమడ్నినాదవడ్డమర్వయం చకారచండతాండవం తనోతు నః శివ శివం శివం. నమస్కార్, ఆప్ సబ్కా హమారే ఛానల్ శ్రీమద్ హోమ్ రెమెడీస్ పర్ స్వాగత్ హై ఔర్ హమ్ ఆప్కో బతాయేంగే కి గుడి పర్వా మత్లబ్ 25 మార్చ్ కే దిన్ आपको क्या करना चाहिए जिससे ऑटोमेटिक खुशियां आपके घर में हमेशा विराजमान रहे. गुड़ी पर्व का अपना एक महत्व है, आप सब जानते ही हैं. तो गुड़ी पर्व के दिन क्या करें 25 मार्च के दिन? देखिए, जो गुड़ी पर्व है ये चैत्र नवरात्रि की शुरुआत है. यदि आपके घर में धन संबंधी कोई परेशानी हो तो आप गुड़ी पर्व के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ. और इस दिन किए गए उपाय बहुत जल्दी फायदेमंद साबित होते हैं. गुड़ी पर्व के दिन आप कौड़ियों के प्रयोग से अपनी आर्थिक परेशानियों को हल कर सकते हैं. ये कौड़ियाँ माँ लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है और इन्हें समुद्र से प्राप्त किया जाता है. और सामान्यतः ये कौड़ियाँ सफ़ेद, भूरी, पीली और चितकबरी होती हैं. तो चलिए हम उपाय नंबर एक बताते हैं. गुड़ी पर्व के दिन अपने घर की उत्तर दिशा में 11 पीले रंग की कौड़ियों को हरे कपड़े में बांधकर आप छुपा दीजिए. ऐसा करने से भगवान कुबेर प्रसन्न होते हैं और वो आपको धनवान बनाएंगे. देखिए, ये टोटका बिल्कुल आस्था से रिलेटेड है. क्या है? बिल्कुल आस्था से रिलेटेड है. सामर्थ्य के अनुसार पंचांग दान करना चाहिए और प्याऊ की स्थापना करनी चाहिए यदि पॉसिबल हो आपके लिए तो. इस दिन नया वस्त्र धारण करना चाहिए तथा घर को ध्वज, पताका, बंधनवार आदि से सजाना चाहिए. चैत्र नवरात्र के पहले दिन या यूं कह लीजिए गुड़ी पर्व के दिन नीम के कोमल पत्तों, पुष्पों का चूर्ण बनाकर उसमें काली मिर्च, नमक, हींग, जीरा, मिश्री और अजवाइन डालकर खाना चाहिए. तो इससे रुधिर विकार नहीं हो पाता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है. इस दिन नवरात्रि के लिए घट स्थापना और तिलक व्रत भी किया जाता है और इस व्रत में यथासंभव नदी, सरोवर अथवा घर पर स्नान करके संवत्सर की मूर्ति बनाकर उसका चैत्राय नमः या वसंताय नमः इन मंत्रों का जाप करना चाहिए और इन मंत्रों से पूजन करनी चाहिए. इसके बाद पूजन अर्चन करना चाहिए. विद्वानों तथा कलश स्थापना कर शक्ति आराधना का क्रम प्रारंभ कर नवमी व्रत का परायण कर शुभ कामनाओं को फल प्राप्त हेतु मां जगदम्बा के मन से प्रार्थना करनी चाहिए. अपने घर में सुख समृद्धि लाने के लिए गुड़ी पर्व के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर 11 कौड़ियों को लाल कपड़े में बांध कर लटका दीजिए. तो ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि तो आती ही है और आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है. अगर आप बुरी नज़र से अपना बचाव करना चाहते हैं तो गुड़ी पर्व पर एक पीले रंग की कौड़ी को अपने गले में ताबीज की तरह पहन लीजिए. ऐसा करने से कोई भी बुरी नज़र आपको छू नहीं पाएगी. माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए गुड़ी पर्व पूजन के साथ 11 कौड़ियों की भी पूजन करनी चाहिए और इन कौड़ियों को पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपने आप तिजोरी में रख दीजिए. ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी और आपकी तिजोरी हमेशा भरी रहेगी. तो ये आप कर सकते हैं गुड़ी पर्व मतलब 25 मार्च के दिन. तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है. आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए. धन्यवाद.